हेलो दोस्तों, डिजिकल सीएससी में आपका एक बार फिर से। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। देश के छोटे और सीमांत किसानों आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करते हुए केंद्र सरकार कई नीतियों और योजनाएं चला रही है। इस बीच इन किसानों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चलाई जा रही है, जिसे किसान पेंशन योजना के नाम से भी जानते हैं। पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को उस आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी जब उनके पास आजीविका का साधन नहीं होगा। इस बीच उन्हें देखभाल, बचत या छोटे मोटे खर्चों को पूरा करने के लिए हर महीने 3,000 रुपये की निश्चित पेंशन दी जाएगी। हालांकि बुढ़ापे में पेंशन लेने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह की आंशिक राशि जमा करवानी होगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को 60 साल की उम्र के बाद मासिक 3,000 की पेंशन यानी सालाना 36,000 रुपये की वृद्धा पेंशन दी जाती है। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत किसान अपने सभी जरूरी किसान अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ कॉमन सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में आवेदक किसान का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। किसान चाहे तो खुद पीएम किसान मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप अपने गांव की किसी ऑनलाइन दुकान पर जाकर भी इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये जानकारी आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप ये काम करवाना चाहते हैं तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थैंक यू।